दोस्तों आज के इस वीडियो जबरदस्त होने वाले हैं क्योंकि इसमें मैं अभी आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने वाला हूं जो बड़े से बड़े प्रो ट्रेडर ऐसे यूज करते हैं फोर निफ्टी बैंक निफ्टी और इंटर ट्रेडिंग के लिए है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका से बताने वाला हूं। अगर इसका यूज करके भी आप ट्रेड करते हैं, ऐसे भी मैं आपको बोलूँगा 95% लोग इसी का यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके लाखों करोड़ रुपये कमाते हैं। अब बड़े से बड़े ट्रेडर ऐसे ही यूज करते हैं क्योंकि इसमें इससे अच्छा स्ट्रेटजी कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे आप जैसे देखते हो कोई भी इंडिकेटर यूज करता है तो इसी के बेस पे होता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आप इंटर ट्रेडर हैं तो इंटर ट्रेडर के लिए आपको क्या करना है, 15 मिनट कैंडल का ड्रॉ करना है। मैं आपको दो तरीका से बताने वाला हूँ रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने का। तो एक फर्स्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं दूसरा तरीका भी बताऊँगा। इसका हम लाइव आपको दिखाने वाले हैं कि जैसे कि प्रैक्टिकल पीछे जाके भी दिखाने वाले हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है जैसे हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ किए हैं। नंबर वन मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि आप क्या करना है, जैसे 15 मिनट का कैंडल कर लेना, इसको रिफ्रेश करके यहाँ पर रिसेट कर देना। इसके बाद आपको करना क्या है कि ये चार्ट यहाँ पर है ना, उसको 10 बार क्लिक करना है और फिर इसको ड्रॉ करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको 10 बार ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद इस पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। ये कम से कम 2 या 3 से मिलना चाहिए, ये याद रखिएगा। जैसे हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल एच करके यहाँ पे देखिए 1 2 3, फिर यहाँ से मार के नीचे आया 4 1 5 हो गया। फिर इसके बाद आप यहाँ पे ड्रॉ करिए, एक देखिए यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद हम उसको सेटिंग भी करेंगे, पहले हम ड्रॉ करके आपको बताते हैं। इसके बाद कुछ सेटिंग भी करना पड़ता है दो। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बार मिला है, तो इस पे हम करेंगे ड्रॉ। इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं ड्रॉ। इसके बाद यहाँ पे एक हम यहाँ पे करते हैं ड्रॉ, यहाँ पे एक एक मिला, दो मिला, तीन मिला। उससे भी अच्छा वाला हम आपको लास्ट में बताएंगे। एक हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे देखिए एक ये मिला, एक एक ये मिला, कम से कम 2 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए। और यहाँ पे एक करते हैं, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, चलिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, यहाँ कर दिए। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा बड़ा, आप एक यहाँ पे भी कर देते हैं, ये भी अच्छा है, यहाँ पे 3 4 बार मिला है। कम से कम ये है लाइन ना, 2 से ज़्यादा मिलना चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए। आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, तो इतना हो गया। इसके बाद हम करते हैं इसको बड़ा, और उसमें भी कुछ कुछ मिलाना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे, कुछ सेटिंग करना पड़ता है। ये हो गया, देखिए कितना अच्छा, देखिए जबरदस्त एनालिसिस सपोर्ट ड्रॉ लाइन ड्रॉ हो गया। इसमें क्या क्या हम आपको तो मिलाना है ये भी हम बता देते हैं। इसमें देखिए ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ पे भी देखिए कितना अच्छा मिला है, ठीक है, कितना बार मिला, देखिए 1 बार मिला, 2 बार मिला, 1 बार मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला, 4 बार मिला, यहाँ पे भी देखिए 1 बार मिला, 2 बार मिला, देखिए कितना अच्छा ड्रॉ हो गया। ऊपर में देखिए इसका ये उसको ब्रेक किया तो फर्स्ट सब आपका टारगेट ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा भी आप ड्रॉ कर सकते थे। तो आप जितने
तीसरा करना चाहते हैं कि चाहते हैं कि हम और भी ऊपर करें, तो फिर भी एक काम करेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मार्केट इस बीच में खुला, उसको ब्रेक किया, तो आपको फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा। और इसमें तो आप थोड़ा बहुत और भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप वीक में लगाना नहीं चाहते थे, यहाँ पर सेटिंग कर दीजिए पूरा। और यहाँ पे भी आप चाहते कि हम वीक में ना मिलाएं, इसमें इसमें भी मिला देंगे तो और अच्छा रहता है। यहाँ पे देखिए ये कर देना है, ये तो ठीक है, इसमें क्या करना है, थोड़ा कुछ कुछ सेटिंग अपने से मिलाना पड़ेगा। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और नीचे और ड्रॉ कर दे तो और भी कर सकते हैं, लेकिन इतना है ये काफ़ी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब उसको एंट्री कब करना है, 5 मिनट में करना है। तो इसको क्या करना है, 5 मिनट का आपको कर देना है। अब 5 मिनट में आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन का ड्रॉ हम कर दिए। मुझे नहीं लगा इससे अच्छा आप कहीं वीडियो देखे होंगे। सिंपल, इसमें आपको कुछ इंडिकेटर नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब भी इसको ब्रेक किया इस बीच में, ट्रेड मेरे हिसाब से ना ही करे, इसको ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है। फर्स्ट टारगेट आपको ये मिलेगा और दूसरा टारगेट ये मिल सकता है। अगर इस बीच में खुला तो इससे फर्स्ट टारगेट आपको ये मिलेगा, दूसरा आपको ये मिल सकता है, तीसरा ये मिलेगा। लंबा चौड़ा आप भी अपने हिसाब से जितना आप कर सकते हैं। कितना अच्छा है देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए आप बोलेंगे कि एक किस हम पहले निफ्टी में कर दिए, अब हम एक और में करके दिखाते हैं। बैंक निफ्टी बैंक का था, हम निफ्टी में करके देखते हैं। निफ्टी में भी हम करके देखते हैं, इसमें भी अच्छा काम करेगा। आप वो सिंपल तरीके में आपको बता दिए कि कैसे रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं एज अ इंट्रा ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे भी कह रही है आप इसको क्या करें, रजिस्ट्रेट कर दीजिए पूरा 15 मिनट में करते। फिर इसको क्या करना, आपको 10 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार करके फिर आप इसमें आपको रजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर करना है कंट्रोल एच करके। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा कहाँ मिलेगा, हाँ यहाँ पे 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, 7 मिला, ये एक हो गया। दूसरा तीसरा ये मिला, दूसरा ये मिला, 1 मिला, 2 मिला, 1 3 मिला, चौथा आपका ये मिला, पांचवा एक एक मिला, 2 मिला, यहाँ पे एक होगा। छठा एक ये मिला, ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक मिला, और सातवां आप देखिए ये होगा। क्यों इसका हम देखिए बताते हैं भी यार। एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, एक एक मिला, अठारह ये हो गया। एक ये मिला, एक ये मिला, एक एक मिला, एक इधर मिला, ये हो गया। नीचे भी आप और करना चाहते हैं तो नीचे ये हुआ। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट हुआ है, एक ये हो गया और दूसरा आप ये कर सकते हैं, एक ये मिला, एक ये मिला, एक यहाँ पे देखिए
ये मिला, अब उसको हम क्या करेंगे, बड़ा करते हैं। इसमें कुछ कुछ सेटिंग हमको करना है, जैसे ये है तो हम इसको थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं, एक ये है तो हम इसको थोड़ा इसमें मिला लेते हैं बीच में, ठीक है, ये सही है। ये है तो इसको हम थोड़ा निकाल देते हैं नीचे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, और ये तो ठीक है। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ से मार्केट गया नीचे, यहाँ एक ये हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब एक ये भी ड्रॉ आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मिलता है, या ये हो गया, ये एक ये मिला, एक ये मिला, ये भी हो गया, कितना ज़बरदस्त आप देख सकते हैं मिल गया। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन का मैं आप कर दिया। इसमें क्या करना, कहाँ बाई और कहाँ सेल करना है मैं आपको ये बताता हूँ। क्या करना है, इस बीच में आपको बाई नहीं करना है, जब भी इसको ब्रेक किया इसमें आपको फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा, दूसरा ये मिल सकता है, तीसरा ये मिल सकता है। अगर इस बीच में खोला है, अगर इसको ब्रेक किया तो आपको ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिल सकता है, चौथा ये मिल सकता है। सिंपल तरीका में आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन का। इससे आसान मुझे नहीं लग रहा है, अब कुछ भी होगा आपको जैसे मैं बोला था वैसे करना है, और इसको आप थोड़ा बहुत सेटिंग करना है, मिलाना है, इसके बाद इसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। और भी आप इसमें कुछ ऐड करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये बहुत सिंपल था, और दूसरा और तरीका मैं बोल रहा था आपको, दूसरा तरीका मैं और बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। जैसे हम इसको ड्रॉ कर दिया है, फिर से हम 15 मिनट का कैंडल करते हैं बनाते हैं। इसमें हमको कहाँ बाई और सेल करना है, इसको हम ज़्यादा नहीं 4-5 बार करेंगे। देखिए हम 5 बार कर दिए हैं, यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, 5 बार आपको करना है, 1, 2, 3, चार, चार नहीं 3 बार ही करना है। देखिए 3 बार, एक बार फिर रिफ्रेश करके हम देखते हैं, 1, 2, ये 3 बार आपको करना है। 3 बार करने के बाद और रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन आपको ड्रॉ करना है, कैसे, एक ये हो गया यहाँ पे। देखिए अगर मार्केट हम इसको अगर मार्केट इसको ब्रेक किया तो हमको कॉल लेना है। आगे के साइड में आपको दिख नहीं रहा है कि भाई नहीं दिख रहा है, तो ऊपर में क्या टारगेट होगा हम आपको ये भी बताने वाला है। दूसरा हमको क्या लेना है, ये वाला, ये वाला, देखिए 1 मिला है, 2 मिला है, 3 मिला है, तीसरा हमको आपको पहले ड्रॉ कर देते हैं फिर आपको हम बताते हैं कैसे क्या किया हम। तीसरा हमारा ये रहा, अभी तीसरा ये नहीं लिख सकते तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, ये रहा, और चौथा रहा मेरा ये टारगेट, पांचवा रहा। देख कैसे कैसे मैं ड्रॉ कर रहा, आप ध्यान से देखिए, इससे आपको बहुत, ऐसे ही सब करता है, बड़े बड़े ट्रेडर भी ऐसे ही करते हैं। देखिए क्या करना है, इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन आपको ड्रॉ करना है। जैसे आप देखिए मार्केट यहाँ पे, देखिए मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, गया यहाँ पे, यहाँ से फिर नीचे आया, तो ये इसका हो गया रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप वो सोचते होंगे यहाँ से नीचे क्यों गिरा, तो इस नीचे वहाँ से इसलिए गिरा कि वहाँ के पीछे आपको देखेंगे तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस होगा, इसलिए वहाँ से नीचे गिरा हुआ होगा। लेकिन हम इतना लंबा छोड़ा आपको पहले वाला वीडियो पहले मैं बता दिए हैं, इसलिए हम इसको ड्रॉ किए, यहाँ से मार्केट ये हो गया। फिर यहाँ से देखिए एक यहाँ पे कम से कम कैंडल 2 या 3 मिलना ही चाहिए। दूसरा देखिए कितना अच्छा है, 1 मिला, 2 मिला, यहाँ पे वीक मिला, तो एक इसका, ये हम दोनों दोनों को मिला के हम ड्रॉ कर दिए। तीसरा देखिए 1, 2, 3, 4, 4 बार मिला, इसलिए हम इसको वीक मिला, इसलिए हम ड्रॉ किए कि ये इसका
इसके लिए रेजिस्टेंस है ये, अगर इसको ब्रेक है तो मार्केट ऊपर जाएगा। चौथा ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर दी कि इससे ऊपर हाई अभी कोई लगा ही नहीं है, यहाँ पे देखिए कितना मिनट तक कंसोलिडेट हुआ, तो पीछे में इसका रेजिस्टेंस होगा इसलिए नीचे वहाँ से गिरा है। वहाँ जब भी देखिए उसको ब्रेक किया है, रियल में देखिए इसको ब्रेक किया है तो मार्केट कितना अच्छा ऊपर गया है, ज़बरदस्त मार्केट इसको इस बीच में खुला है, इसको ब्रेक किया मार्केट इतना अच्छा ऊपर पे गया है, वहाँ से फिर मार्केट टकरा के ठीक देखिए ये इसका अगर ऊपर गया तो आप इसके लिए ये सपोर्ट हो गया, ठीक ऊपर से नीचे यहाँ पाया, इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, आप देख सकते कितना अच्छा से रिस्पेक्ट करके फिर उससे फिर उसको टच करके फिर मार्केट ऊपर गया। तो आपको मैं सिंपल तरीका मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँ, एक ड्रॉ आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी बार बार टकराया है। आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो अगर टारगेट आपको ये मिलेगा, लेकिन आप एक या भी कर लेंगे तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्या पता मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। बोलेंगे ठीक है भाई समझ में आ गया, लेकिन इससे ऊपर क्या है, इससे ऊपर आप क्या कैसे करेंगे, तो पहले हम एक बार इसको हम फिर 10 बार एक बार ट्राई करते हैं ड्रॉ करके, क्या पता इसके ऊपर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इसको आप क्या करेंगे फिर 5 बार ड्रॉ करके आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट आपको रेजिस्टेंस आपको ये मिलेगा 5 बार करेंगे, और तो फर्स्ट आपको ये मिला उससे ऊपर वाला, और नेक्स्ट आपको टारगेट ये मिला, समझ में आ गया आपको। 5 बार और करेंगे इसके बाद तो आपको फिर यहाँ पे ये मिलेगा, तो आपको इस हिसाब से रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन आपको ड्रॉ करना है। अब उसको हम करेंगे फिर से, कुछ हम सेटिंग भी कर सकते हैं आगे जाके क्या पता, तो यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखिए कितना अच्छा ड्रॉ हो गया इसमें, आप मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा जैसे कैसे कैसे मार्केट रिस्पेक्ट करके सपोर्ट लाइन के कैसे रिस्पेक्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे, यहाँ पे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वहाँ से देखिए कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया। देखिए यहाँ इसका सपोर्ट कौन सा है, एक ये है, एक ये भी है, एक ये भी था, ये भी है एक सपोर्ट, ये भी कितना अच्छा, देखिए यहाँ पे मार्केट ठीक यहाँ पे आया, इसकी सपोर्ट था वहाँ पे टकराया, नीचे आया टच करके फिर मार्केट ऊपर गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना रिस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट का, इससे ही समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप नीचे में देख सकते हैं, देखिए मार्केट देखिए इसका इससे पहले मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, यहाँ पर रजिस्टेंस इसके लिए, ये तो रजिस्टेंस है कितना अच्छा उसको रिस्पेक्ट किया, और फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। अब बहुत लगभग 2-4 दिन ट्रेड इसी के अंदर किया, फिर इसके बाद यहाँ फुल बैक दिया, फिर यहाँ पे आप देख सकते, फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए मार्केट हम ड्रॉ किए हैं। अब ये हम उस एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा इसके वीक में कर लेते हैं, वीक में वीक को हटा के यहाँ पे देखिए मार्केट इस बीच में ओपन हुआ, कितना अच्छा ओपन हुआ, ठीक है। जब ये उसको ब्रेक किया, ये इसके लिए देखिए यू किया, इसका रेजिस्टेंस ये था, इसको ब्रेक किया, देखिए मार्केट कितना अच्छा इसको टच करके फिर नीचे आया ऐसे ऊपर। ये तो आपको इसका अगर उसको नेक्स्ट दिन इस बीच में ओपन हुआ तो बहुत ही अच्छा है, उसको ब्रेक वैसे जैसे उसको ब्रेक किया, ब्रेक है तो इसको फर्स्ट टारगेट ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा। अगर गैप गैप ऑफ मान लीजिए मार्केट इस बीच में नहीं खुला और यहाँ पे खुला है, यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुला है, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, कोई गारंटी नहीं, ऊपर भी जा सकता है। अगर वहाँ पर आपको कोई डोजी टाइप का बना तो यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो ये दोस्तों मैं आपको एक सिंपल तरीका मैं आपको बताया हूँ कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इजीली आप बहुत सिंपल तरीका से आप ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको ज़्यादा सर दर्द नहीं लेना है, बिना सर दर्द का आपको आप जितना देखिए ट्रेडिंग को आप जितना हार्ड समझोगे उतना हार्ड है, और उसको जितना आसान समझोगे उतना आसान है। सिंपल इसमें डिमांड और सप्लाई का, डिमांड के मतलब कहाँ कोई लोग कहाँ डिमांड कर रहा है बाइक का, और सप्लाई का मतलब कोई बाई सेल कहाँ पर करना चाहता है, आप इससे पता लगा सकते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट से। इससे अच्छा हम स्ट्रेटजी अभी तक कोई देखे नहीं है, अब बड़े से बड़े प्रो ट्रेडर वही यूज करते हैं, उससे ज़्यादा कोई यूज नहीं करते हैं। तो सिंपल था दोस्तों, अगर इस वीडियो के बारे में आपको क्या राय है और क्या सीख मिला, क्या आप इस टाइप से कभी ट्रेडिंग करते थे कि नहीं करते थे, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
बाय, टेक केयर, हैप्पी दिवाली।